भाई तेंदुआ बैठा देखो ऊपर, ये बैठा तेंदुआ। वो क्या दिखा यहाँ पे, ये दिख रहा है जबड़ा दिख रहा है, बहुत सही है, बहुत खतरनाक मुगड़ी है भाई। सुबह हो गई है, रात को तो हम अपना कैंप में ही सो गए थे। ये व्यू है पीछे, मैं जा रहा हूँ ब्रश करने। ब्रश करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है और कहाँ जाना है। बोला नहीं जा रहा, ठंड लग रही है। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं तीर्थन वैली से, तो देखते हैं हम नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, तो दिखाता हूँ, स्टे ट्यून। हाँ वही चलें, चलो तीर्थन वैली को बाय बाय। भाई तेंदुआ बैठा देखो ऊपर, ये बैठा तेंदुआ लकड़ी वाला। चलो भाई चलते हैं भगवान का नाम लेके। भीड़ों ने हमारा रास्ता रोक दिया भाई, जाम लग गया है यहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ होगा। तो गाइज आते हुए तो मैं रास्ता दिखा नहीं पाया था, तो भाई जो भी यहाँ पर आ रहा है ना, जिसको ड्राइविंग आती है वो ही आना, क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसा है, ख़राब भी है और मतलब ऑफ रोडिंग है, बहुत नैरू सी रोड है, और मतलब जिसको आती है वही आना भाई यहाँ पर, ड्राइविंग आती है ना जिसको, क्योंकि पतली नैरो सी रोड पर सामने से एक गाड़ी और ट्रक आ रहा होता है ना, बस आ रही होती है और बराबर में एक खाई होती है, तो समझ नहीं आता क्या करें। तो भाई बीच बीच में ऐसे पैचेस आ रहे हैं, पूरी रोड पे है ये, पूरे 20 किलोमीटर तक है। और SUV हो तो बेटर है, मतलब जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो ना, वही गाड़ी चलती है यहाँ पे, वरना तो भाई टेंशन में आ जाओगे। गाइस मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा था, देखो नैरो सी रोड है, सामने से टेम्पो आ गया और ये निकल नहीं पा रहे, वो तो यहाँ पे फेंसिंग लगी है, वरना ऐसी ऐसी भी जगह थी जहाँ इधर खाई थी और ऐसे हम निकल रहे थे। देखो भाई सामने से आ गई बस, अब गाड़ी जाएगी पीछे, और पीछे करो आ रहा चूतिया आ रहा, गाली मत दो सॉरी। ये सीन होते हैं भाई यहाँ पहाड़ पे। तो गाइस एक लोकेशन है ऐसी, बाहर निकले थोड़ा दे पैरों को भी, ये तो बीच सा बना हुआ है पूरा, गहरा कितना है यार ये, यहाँ जाया जा सकता है वैसे सुनील सर, वहाँ रास्ता है। सामने का व्यू देखो गाइस क्या मस्त है, अभी हम जा रहे हैं मनाली, ये देखो यहाँ हाईवे की रोड इतनी बढ़िया बना रखी है ना उन्होंने, मनाली हाईवे। तो एक लोकेशन देखिए मनाली के पास, वहाँ देख के आते हैं क्या है, कैसी लोकेशन है। सिम्बा चालू स्टैंड अप, लालू लालू बैठ गई, वो तो कह रही मैं कुछ नहीं कर रही। सिम्बा क्या हो गया भाई, stay, stay, I will shoot you if you don't stay. Mama. I love you too. Just stay. Party mat bas, party. You want to go walking? You want food? Bhook lagi hai? So ye non-veg khate hai? पेड़ में सामने मारो, शेर जा रहा है, शेर में मार दो, जा रहा है शेर, गिद्ध में ना मार दूं, गिद्ध रहा है एक लाल कलर में गिद्ध। अच्छा हाँ बिल्ली बोली गिद्ध में मारेगी, बिल्ली रियली, डू आई लुक लाइक अ कैट, डू आई लुक लाइक अ कैट, शट अप मैन, ये जो टहनी है इसको मारने वाला हूँ, ठीक है, शेड शेड आ रही है, हिलेगी नहीं, ठीक है, ओके या तुम करो यार आराम से एंजॉय करो, मैं पीछे से वॉइस ओवर देता हूँ तुम्हें, वही नहीं चाहिए नहीं चाहिए सही, वॉइस ओवर नहीं चाहिए, बैटरी खत्म हो गई, शिट यार, कोई टारगेट दो ना यार, टारगेट यार पूरा जंगल तुम्हारा भाई, लो टारगेट जहाँ मर्जी मारो तुम, बंदूक बना के दो गोल सा कुछ, अरे उस सामने वो जा रहे हैं हिरन जा रहा है उसे मारो, देखो सामने हिरन जा रहा है भाग के, चार पांच हिरन है भाई, ओ हिरन देखो 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 उड़ गया पेड़ के पीछे, उड़ा दो अब जब मारूंगा चिल्लाना से इसकी नकली आवाज में, नकली आवाज में जल्दी से, बढ़िया क्या जा रहा है हिरन, शेर भी उसके पीछे,
अबे हिरण को बोलता शेर क्यों मार दिया तुमने, पेनल्टी लगेगी फॉरेस्ट वाले। अपना नहीं है शिकार करते रहे हैं। ऐसी कमेंट बाइक बाइक काम करो। हाँ क्या इतनी दूर क्यों लगा दी टारगेट, बंदूक ही लगा था डायरेक्ट सीधा हिट कर दो जाके बंदूक, गोली हमारे ज्योति क्या लगी जाएगी इसमें, ट्रोलिंग ट्रोलिंग की क्या बात है भाई तुम। भाई दूर है वो ठीक है, ज्यादा भाई दूर क्या है बताना मुझे। क्या ये देखो नीचे क्या है। ओ भाई दिखाओ ना कैमरे, दिखाओ कैमरामैन, पहले अपने टारगेट मारू कैमरामैन दिखाओ। हड्डी मिल गई हमें यहाँ पे जंगल में, हड्डी एक फुट दूर देगा। ओ भाई एक फुट दूर बंदूक लेके अंदाज हो घुसा। अभी हम थोड़ा सा ही अपना शूटिंग खेल रहे थे तो मुझे देखो क्या दिखा यहाँ पे, ये दिख रहा है जबड़ा दिख रहा है भाई, डायनासोर का लग रहा है डायनासोर। हाँ तुम्हारे घर ही तो आया था डायनासोर भाई, डायनासोर का लग रहा है, इतने बड़े बड़े दांत हैं इसके, डायनासोर का लग रहा है। किसका लग रहा है ये डायनासोर, जिसको मैं डायनासोर जिसको मैंने मारा था ना पिछले भाई। लेकिन मजाक से हटके ये चीज, ये जिसका भी है ना बहुत पुराने टाइम से काफी, काफी टाइम से पड़ा हुआ है यहाँ पे। और दांत देखो भाई साबित है अभी तक दांत, डायनासोर का है डायनासोर। ये तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए, मैं तोहफे के नाम पे उमीद खान की सुन जानता हूँ। टूट गई ना अगर ये ठोकरे हो तो भाई ये बन गई छबी। ये मजाक वाला जंगल नहीं है ठीक है ना, भाई खतरनाक जंगल है, वाइल्ड लाइफ जंगल है। भालू से घूमते हो यहाँ पे, भालू तो है यहाँ और तेंदुआ भी है सब है यहाँ पे। और हमारे पास क्या है अभी शूटिंग करते हैं, हमारे पास क्या है दिखाओ, अपने AK-47 है अपने पास, AK-47 तो नहीं है तो ज्यादा हो गया, AK-47 है भाई। ये अपनी राइफल है, राइफल पे राइट वो बता किसे ऐसे करते हैं जी सर। हाँ टारगेट आपका मैं मारता हूँ, देखो लोगो लोड कर दू रंग से किया करो यार काम अच्छे से बताऊंगी। चलो देखो मारो 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 झंडो थी तुम बताओ झंड सुनो और पास चले जाना घुस जाओ उसके अंदर। ओए होए कहां सेंटर में मारा कह रहे कहां दिख गया सेंटर। मुझे लग रहा है कि क्या कि यार हमें ना यहाँ पे ना बोर हो जाएंगे यार, कुछ बोर क्यों होंगे बोर यहाँ पे, ये आधे घंटे का फन खत्म हो गया हमारा, अभी तो फन स्टार्ट हुआ है ब्रदर। नाग ना फन गा के भना दे तुम्हारे आगे भी आके फन घर हुआ है। सुनो रिलैक्स आ रही है तुम्हारी, उससे पूछेंगे कौन आ रही है तुम्हारी, न्यू रैक्स आती है जो न्यू रैक्स। हड्डी कैसी हड्डी होगी भाई, इंसान की नहीं यार, क्या कहते हो ये है तो किसी बड़े जानवर की हड्डी है, छोटे जानवर की हड्डी नहीं पता है तो भाई खतरनाक जगह है। देखा मेरे साथ रहोगे ना तो ऐसा एडवेंचर मिलेगा भाई। मैं ही तो तुम्हें लेकर आया हूँ, भूल गया पिछली बार शिकार किया था तब मैं तुम्हें लेकर एक उधर भी गया था शिकार, सुनो एक वहाँ मैंने शेर मारा था वहाँ पे देखो वहाँ उनकी हड्डी भी मिलेगी अभी तक। आप तो बोलो मैं भी तो शेर हूँ, सुनो पीछे जाकर देखो उसके पास आओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसकी हड्डी। क्वाइट नहीं बता चलो तुम्हें हड्डी मजा नहीं आ रहा, मैं चेक करना चाहता हूँ शेर की हड्डी। कुर्सी पे बैठे हैं क्वाइट राजा साहब, राजा साहब भी ऐसी बन सकते हो तुम, मुझे ऐसी खड़ी होती है सामने पीछे। हड्डी देखो एक और हड्डी मिलेगी हमें, मजाक कर रहे हो क्या। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है, पहले हम यहाँ से अभी निकलने वाले थे बट ये जगह ऐसी है वाइब ऐसी है यहाँ की लुक एट दिस। तो हमारा प्लान बन गया यहाँ पे और रुकने का, तो हम कोक लेके आ रहे हैं एक लीटर की कोक, एक लीटर मैगी लेंगे, दो मैगी और आप अंडे खाओगे आप जी। मैगी लेके आ रहे हैं और एग लेके आ रहे हैं और थोड़ा बहुत और मशरूम वगैरह ले आएंगे, मैगी खाएंगे। हम यहीं पे कैंपिंग कर रहे हैं यहीं पे खाना बनाएंगे ठीक है, ब्रेड रखे हैं बहुत अच्छे बढ़िया, तो आप लेके आओ ब्रेड है हमारे पास ना, ब्रेड सब कुछ है गाड़ी में ब्रेड है। तो यहाँ पे हमारा और एक्सटेंड हो गया है जगह देख के, तो यहाँ पे थोड़ा सा और रुकेंगे और 6-7 घंटे मतलब शाम को 6 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे ठीक है। तो मेरे को मिलना है एक्चुअली बियर से, असली बियर से भालू से, असली बियर से भालू से। विद माय गन ऐसे बोलते हैं, दिस इज माय गन, दिस इज माय गन। ओ भाई बहुत भारी है भाई, बहुत गन 6 kg+ लग रहा है ये 60 kg लग रही है मुझे तो, 60 kg ज्यादा हो गई तो पानी चढ़ जाता भाई, है मैंने ना क्या अगर एक और बार ठोकी ना तो मैं तुम्हारे गोली मारूंगा जाते हुए। मुझे शेर मारा उसको डालना आगे ठीक है, तुम आज उसका कबाब खा लेना, तुमने शेर मारा हो
मार दिया मैंने तो सब मैसेज नू कह रहा हूँ इन्हें शेर मारो और उड़ा दिया मैंने तो भाई एक बात बताता हूँ आपको, आपको अभी तक पता नहीं होगा, ये मेरे साथ हर ब्लॉग में होते हैं हमारे भाई सुनील जी, ये एक्चुअल में गुजर हैं, ठीक है, ही इज गुजर। और मैंने अपनी लाइफ में लिसन अपनी लाइफ में आज तक इतना सीधा गुजर नहीं देखा भाई, इतना सीधा गुजर। मेरे बहुत सारे जाट गुजर दोस्त हैं, सबके पास भाई पिस्टल माउजर खाना पीना दारू भाई अंधाधुंध मार पिटाई। सिंपल बंदा यार बहुत। ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ही इज गुजर यार, काइंडेस्ट 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 पर्सन, हम्बली बहुत हम्बल हम्बल काइंडेस्ट हम्बल हैंडसम दिखता है वो तो हैंडसम। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा यूज में लेते हैं, यहाँ पे करते हैं शूट, ये कंकाल है ठीक है, स्केलेटन पूरा। तब ये डिफ्लेक्ट होगी, मेरी आंख मत फोड़ देना। अब आएगी फील अपने को आर्मी वाली। अरे आर्मी हो आर्मी, मेरी आंख मत फोड़ दियो भाई, डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ। मैं बोल भाई शॉट वैसे ही, एक सुन सुनो थोड़ा चेंज कर लो भाई। नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। आ गया तो छर रहा है खाली, नहीं आएगा कुछ नहीं होगा, छर रहा है ना, मैं तो बंद कर रहा हूँ। सुनो छेद हो गया भाई, देखो मैं वही दिखाऊंगा। ओ भाई साहब कहाँ लिख रहा हूँ, नहीं इतना क्यों, इतना भी कुछ भी कुछ भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जंगल, थोड़ा आगे चलते हैं यार, थोड़ा देखते जंगल इतना बड़ा है ना, पूछो मत। कम पीछे हड्डी मिली, आगे पता नहीं क्या मिलेगा। अरे भाई हड्डियां ही मिली है जंगल। ओ भाई रुको यार, क्या हुआ भाई, मकड़ी खा जाएगी तुमको, मकड़ी है। ओ भाई निकल जाएंगी मकड़ियों की, देखो कितनी कलरफुल जो मकड़ी है, स्पाइडरमैन वाली मकड़ी है भाई, खतरनाक वाली है भाई, तुम्हें काट लेगी, तुम्हें स्पाइडरमैन बन जाओगे तुम, बड़े बड़े जाले। अरे भाई अरे, ये तो बहुत सही है, बहुत खतरनाक मकड़ी है भाई, ये तो इसमें इतना जहर होगा ना भाई, बहुत जहरीली मकड़ी लग रही है भाई ये तो। मैं अभी भी यहाँ पर हूँ जंगल में अकेले, तो हमारे सुनील भाई जो हैं वो गए हैं कुछ सामान वामान लेने। क्या यार ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, सो गाइस लुक एट दिस, ये है जबड़ा, पता नहीं किसका जबड़ा है। ओ भाई इतना बड़ा दांत, ये मैं कर क्या रहा हूँ, खेल के रहा हूँ मैं इसके साथ, खिलौना थोड़ी है ये। ना एक कहावत है ना, भूसे में दांत बाहर निकाल दूंगा, मैं एक हाथ से दांत बाहर निकाल देता हूँ। गाइस पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं, पहले मेरा मनाली जाने का प्लान था, बट मनाली जाते हुए मुझे रास्ते में एक जगह दिखी, ऊपर छोटी सी एक रोड जाती है, और उस रोड पर लिखा होता है जर्मन रैबिट फार्म, तो मैंने ऐसे ही कार ऊपर ले ली, मैंने कहा जाके देखते हैं। तो भाई जब मैं ऊपर आया और भाई ये जगह मुझे मिल गया, मैं अपने स्पोर्ट्स बना लेती थी ऐसे पत्थरों का पूरा चूल्हा स्क्वायर शेप में बना के ना, फिर उससे आग भी बाहर नहीं फैलती है, आप इसके बीच में बर्तन भी टिका के काम कर सकते हो। कुछ नहीं करेंगे, उल्टी इंटॉक्सिकेशन होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, मरने नहीं होंगे। इंटेक्शन ना, कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ बीमारी है।
ये जंगली पेड़ होते हैं ना, ये बाय नेचर किसी किसी तरीके से टॉक्सिक होते हैं। पहले मेरे को लग रहा था जब मैं आई थी कि ये चेरी टमाटो है, चेरी समझा था मैं भी। हाँ, पर इसको पास से देखा, इसको फोड़ा, इसकी तासीर समझी, तब समझ आया कि ये टॉक्सिक है। क्यों ना मेरी बेटी, और भी जाने बता दो यार, सुनो यार, उसको लगेगा कि तुम उसको, आप ऐसे हो जाओ, कोई भी जानवर सांड भी आ जाए ना, उसके आगे ऐसे कर दो स्टॉप, वो अथॉरिटेटिव समझेगा आपको। हेलो सिम्बा, इनको चाहिए भी यही। सिम्बा चलो इधर, सिम्बा मॉड्यूलेशन है भाई, पहले ना रोटी खा लेते क्योंकि ये चीजें गर्म ठंडी हो जाएंगी फटाफट, अभी ताजी ताजी हैं। सो काइंड ऑफ यू, सो मतलब राइट में पहली बार का काइंड हमने देखा है सर, कोई डर रियली एक्चुअली में रोटी एंड घिया कोफ्ता बेसिकली, सो शी ब्रॉट फॉर अस, लेट मी गिव यू अ रिव्यू। टेन आउट ऑफ टेन, सो यम, सो यम। खा लो, नहीं खिलाऊंगे। लौकी के कोफ्ते, मैं घर में ही उगाती हूँ ना सब्जियाँ, तो ये मेरे बगीचे की उगी हुई लौकी है। सही में तभी टेस्ट में ज्यादा रहा, दिस इज फन। आग बुझ चुकी है, वो तो जल जाएगी बहुत, जो वो मेरी पीली वाली कुत्ती नहीं थी, लाली तो वेरी बूढ़ी, वो तो बहुत शरीफ है बेचारी, दो तीन महीने बहुत स्ट्रगल किया कि ये चली जा परमानेंट मत रुक, मैं कितने कुत्ते पालूंगे, क्योंकि मेरे पास भी जानवर वानवर सेवा के लिए आते रहते हैं, परमानेंट नहीं रख सकती मैं सबको, नहीं एंड तक। आपने 10 दिन में ठीक होना हो, चाहे आपको 2 महीने लग रहे हैं, आप पूरे ठीक हो जाओ फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी वो बन चुकी हैं, नाले बन चुके हैं, पतली सी धार गिरती है, आप अंजनी महादेव या बिजली महादेव आपके अभी पास में है ये चीज, अच्छा 1 से 2, 1 घंटे 1.5 घंटे के दायरे में है अभी आप जहाँ खड़े हो, मैक्स 2 घंटे लग जाएंगे अगर आपको ट्रैकिंग में चढ़ने में दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ का दर्शन कहते हैं ना, वहाँ के दर्शन एक्चुअल दर्शन है, आप वहाँ गए हो आपको एनर्जी छाती में फील हो जाएगी कि कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके आसपास, और वहीं पे आपको वो भी मिल जाएगा वॉटरफॉल। भाई यार सुनो, खाने का तो है नहीं कुछ हमारे पास, किया ज्यादा अच्छा हो गया हमारा, पेट भर गया, मैं तो मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है, कम रोटियां, पेट भर गया हमारा, ये जो रखा ना खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म कर लो, साले की टेंशन मत लो, मैं तो खत्म कर दूंगा, मैगी तो बनाते हैं, मैगी अभी नहीं रुक के, मेरे बस की नहीं, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं और एकदम से खाया ना, तो नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, नीचे जाने में अभी मैं 8 या 10 सब्जियां और लगाने वाली हूँ, पालक, गोभी, मेथी, धनिया, मूली, बीन्स, राजमा इज माय फेवरेट, जो टेस्ट है ना, मैं 2 दिन तक राजमा यहाँ पे ऐसे घास की तरह उगता है हमारे वहाँ पे, ऑर्गेनिक ऐसी घास, बीन्स होती है, बीन्स
बीन्स होती है, बीन्स की शेप का होगा और वो ना ऐसे बुशेस की तरह उगेगा, बहुत दूर फैल जाएगा पूरे। आपको पता है हर चीज की वाइब्रेशन है, पेड़ की वाइब्रेशन है, पानी की वाइब्रेशन है, बारिश की गिरती हर बूंद की वाइब्रेशन है। पर हम इंसानों को क्या चाहिए यार, ये लड़की मिल जाए, ये हैवी लग रही है, ये गाड़ी सेक्सी है ब्रो, जेब में इतना पैसा चाहिए, आईफोन 15 से मन भर गया, अब 17 चाहिए। गाली भी आती है बहुत अच्छी वाली, दिल्ली से हूँ, दिल्ली से क्या करें, गाना है अपना कौन सा, दिल्ली से, दिल्ली वाली भाई भाग गई तो। वैसे डोंट वरी, आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल फाइट विद यू ओवर प्राइवेसी, कि हाउ डेयर यू पोस्ट मी। नहीं नहीं यार, सिम्बा कम है, फिर रुक के अच्छे स्पॉट्स हो जाते हैं, एक ही बाइक पर अभी खाना खा लिया। थैंक यू, वी आर रोलिंग अप। शिट यार, मिस हो गया। सर सुनील सर, दोबारा करते हैं, जबरदस्त एक मैं शूट करता हूँ। पेड़ से दूर, एक रियल तो लेनी पड़ेगी भाई।